गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल डिस्कस करेंगे। तो हाफ वेव सिमेट्री, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन क्या होती है वो हम देखेंगे, उसके बाद एक सिग्नल लेंगे, फिर उसको वेरीफाई करेंगे कि ये हाफ वेव सिमेट्री को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो सबसे पहले जो कंडीशन है वो देखेंगे, अगर सिग्नल एक एक्सटी है तो उसको हाफ वेव सिमेट्री होने के लिए क्या होना पड़ेगा, माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। टी नॉट क्या है, यहाँ पे फंडामेंटल टाइम पीरियड है। तो ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी होगी हाफ वेव सिमेट्री के लिए। तो इसका क्या मतलब हुआ, एक्स टी इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सिग्नल एक्स टी है, ओके, उसका एम्पलीट्यूड रिवर्स कर दिया जाए और उसको टी नॉट बाई टू से शिफ्ट कर दिया जाए, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ओके। तो सबसे पहले एक सिग्नल बनाते हैं और उसी के थ्रू हम देखेंगे कि कैसे हम हाफ वेव सिमेट्री को करते हैं। जैसे यहाँ पे एक सिग्नल मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारे पास कुछ इस तरीके से सिग्नल है, ओके, ये राइट साइड में है, और इसी तरीके से हमारे पास लेफ्ट साइड में भी सेम सिग्नल है। ओके, तो ये जो स्टेप साइज है, सारी स्टेप साइज सेम है, थोड़ी बहुत थिकनेस की वो हो गई है, बट सारी जो स्टेप साइज है वो सेम है। और इसका टाइम पीरियड टी नॉट, ये यहाँ आने के बाद ये वापस से सेम रिपीट हो रहा है, तो ये इसका है, यहाँ तक इसका है टी नॉट, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये कितना, ये हमारा होगा टी नॉट बाई टू, टी नॉट बाई टू, ओके। ये हमारा है सिग्नल एक्स टी, एक्स ऑफ टी। अब इस सिग्नल को हमें बताना है कि ये हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है, ओके। इस सिग्नल को हमें बताना है कि यह हाफ वेव सिमेट्री है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हाफ वेव सिमेट्री, अगर कोई सिग्नल एक्स टी है वो हाफ वेव सिमेट्री है, उसके लिए पहले एम्पलीट्यूड को रिवर्स करेंगे, उसके बाद टी नॉट बाई टू से उस सिग्नल को शिफ्ट कर देंगे, ओके। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि टी नॉट बाई टू से शिफ्ट कर दें, उसके बाद एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर दें, दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ये सिग्नल एक्सिस, सेम एक्सिस बनाएंगे, ओके, उसके बाद यहाँ पे ड्रॉ करेंगे सिग्नल, ये जो सिग्नल अभी यहाँ पे ड्रॉ होने वाला है, ये एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू के लिए, मीन्स इसको टी नॉट बाई टू से शिफ्ट किया जाएगा, आइदर लेफ्ट और राइट, क्योंकि इस सिग्नल को या अगर लेफ्ट भी शिफ्ट करें या राइट शिफ्ट करें कोई फ़र्क नहीं होगा सिग्नल पे, ठीक है। राइट भी शिफ्ट कर सकते हैं सिग्नल को और लेफ्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो हमने इस सिग्नल को क्या किया है, राइट शिफ्ट कर दिया है टी नॉट बाई टू से। तो अब ये पोर्शन देखिए, ये ज़ीरो से ये टी नॉट बाई टू है, ओके, इसको टी नॉट बाई टू से और शिफ्ट कर देंगे, तो जो ज़ीरो से टी नॉट बाई टू है वो कहाँ पहुँच जाएगा, टी नॉट बाई टू से टी नॉट के बीच पहुँच जाएगा, ये वाला पोर्शन कहाँ है, ज़ीरो से टी नॉट बाई टू। अब इसको टी नॉट बाई टू से आगे शिफ्ट करना है, तो ये वाला पोर्शन उठ के डायरेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, ओके। तो ये किस तरीके से बनेगा हमारा, यहाँ पर ये है, ओके, उसके बाद यहाँ पे ये वाला आ जाएगा, ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा इसके बीच में, उसके बाद इस तरीके से
उसके बाद ये वाला जब पोर्शन इधर को शिफ्ट होगा तो ये वाला जो पोर्शन है वो कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में आ जाएगा, और ये वाला पीक कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पीक। तो इस तरीके से हो जाएगा ये सिग्नल। ओके, तो इस तरीके से ये सिग्नल आ जाएगा और ये सिग्नल इस तरीके से हो जाएगा। पहले क्या था, 0 से T0 था, T0/2। अभी इसको T0/2 से इधर शिफ्ट कर दिए हैं। जब T0/2 से इधर शिफ्ट करेंगे तो ये वाला जो पीक है वो इधर आ जाएगा इसके बीच में। तो ये देखिए इसके बीच में ये वाला पीक आ गया, T0/2 से हमें शिफ्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल कर देंगे, इसका एम्पलीट्यूड रिवर्सल करेंगे। तो अब एम्पलीट्यूड रिवर्सल करते हैं, तो अब क्या होगा, माइनस एम्पलीट्यूड रिवर्सल करना है, माइनस एक्स टी प्लस टी नॉट बाई टू, टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू। ये शिफ्ट तो हमने कर दिया था, अब एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर देंगे। तो अब इसका एम्पलीट्यूड रिवर्स करने का क्या मतलब हुआ, ये वाला जो पोर्शन है इस तरीके से हो जाएगा, जो माइनस में इसका माइनस पीक है वो प्लस में पीक हो जाएगा इसका। तो इस तरीके से जब रिवर्स होगा तो ये सिग्नल, ये वाला इस तरीके से रिवर्स होगा तो ये पोर्शन ऊपर आ जाएगा, ये पोर्शन यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद जब ये इस तरीके से रिवर्स होगा तो ये भी इस तरीके से रिवर्स होगा, तो इसका ये वाला पीक पॉजिट जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये पीक नीचे आ गया। ओके, उसके बाद फिर ये भी ऐसे ही होगा, अल्टरनेट, फिर फर्दर अल्टरनेट अल्टरनेट इस तरीके से बनता जाएगा। उसके बाद जब ये शिफ्ट हुआ है, इस तरीके से हुआ है, तो ये वाला पीक कहाँ जाएगा, ये वाला नीचे आएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से नीचे। ओके, ये सिग्नल इस तरीके से बनेगा हमारे पास, माइनस एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट बाई टू। तो पहला सिग्नल जो एक्स टी है, एक्स टी का जो सिग्नल है, और ये वाला माइनस एक्स ऑफ टी प्लस माइनस टी नॉट बाई टू, ये सिग्नल दोनों सेम है ना, दोनों सिग्नल सेम। तो अब एक्स टी इक्वल टू माइनस में एक्स ऑफ टी प्लस टी नॉट बाई टू, ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो सिग्नल एक्स टी है हमारा वो हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल है। ओके, तो हाफ वेव सिमेट्री सिग्नल के लिए ये कंडीशन ध्यान रखेंगे कि अगर कोई भी सिग्नल हाफ वेव सिमेट्री होना है तो उसके लिए उस सिग्नल को टी नॉट बाई टू से शिफ्ट करेंगे आइदर लेफ्ट और राइट, उसके बाद उसके एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर देंगे। सबसे पहले उसको शिफ्ट करेंगे टी नॉट बाई टू से सिग्नल को, उसके बाद उसके एम्पलीट्यूड को रिवर्स कर देंगे। ये एम्पलीट्यूड होता है हमारा। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड होता है, तो इसको इस तरीके से रिवर्स कर देंगे, चेंज कर देंगे। जैसे टाइम को रिवर्सल करते थे तो जो हमारा प्लस एक्सिस में टाइम होता था उसको हम क्या करें, रिवर्स करके इस तरह चेंज कर देते थे। तो यही चीज़ करना है, और ये सारा बेसिक हमने स्टार्टिंग लेक्चर फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में ये सारे हमने डिस्कस किए हैं कि किस तरीके से हम टाइम शिफ्टिंग करेंगे लेफ्ट और राइट साइड में, और किस तरीके से हम एम्पलीट्यूड का रिवर्सल करेंगे, टाइम का रिवर्सल करेंगे, ये सारे हमने डिस्कस कर रखा है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।